डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसी पेज पे आना है। तो यहाँ पर अप्लाई का जो ब्लू कलर का ऑप्शन है दिखाई देगा। इसी के साथ में आप सभी को दूसरा भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि लॉगिन के सेक्शन में आप आओगे और यहाँ पर कई सारी अथॉरिटी जो इसको वेरीफाई करेंगे उनके लॉगिन के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। इसी के साथ में आप सीएससी लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है व्यू ई श्रम कार्ड डेटा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इसी के साथ में दूसरा ऑप्शन मिलता है सीएससी रजिस्टर आर्टिस्ट, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा जिसमें कि पूछा जाता है कि जिस फैमिली का आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं, उनके परिवार से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ फिर से आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना पीएम ईजीपी योजना स्कीम का पहले से वो बेनिफिट तो नहीं ले रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार से रजिस्टर्ड है वही यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है फिल कर देना है। कैप्चा कोड जो दिखाया जाता है सेम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा और ये जो वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक के माध्यम से हो रहा है और इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें लाती थी उनमें ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना होगा। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो ये आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाओगे। तो ये खास करके सीएससी जितने भी सेंटर्स है उनके पास में मौजूद होगी और सेम डिजिटल हो आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपको किसी भी सेंटर पर विजिट करके वहां से अप्लाई करवा लेना है। आप देखोगे कि वेरिफिकेशन हो चुका है और ये जो पेज है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होगा और हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की जितनी भी डिटेल्स है वो पेज होकर के आ जाती है। शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो आपको चूज करना है। इसी के साथ कैटेगरी के सेक्शन में आना है एसटी एससी जनरल ओबीसी जिस भी कार्ड से हो आपको चूज करना है। दिव्यांग का ऑप्शन मिलता है, ये जो ऑप्शन है केवल उन लोगों के लिए है जो कि विकलांग है, बाकी लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें कि पूछा जाता है बिजनेस अगर वो करता है जो व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो सेम स्टेट में है तो ऐसा अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हम बिजनेस करते हैं अपने सेम स्टेट में और सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा बिजनेस है तो इस ऑप्शन को हम अलाउ कर देंगे। और कोई भी माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी के सेक्शन में यहाँ पर उसको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नहीं है तो उसको ऐसे ही नो के ऑप्शन पे क्लिक करने देना है। पेज में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आप सभी के जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देते हैं जो कि आपके आधार कार्ड के रिकॉर्ड से ली गई है। आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, अगर मौजूद है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद में फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में आप देखोगे कि राशन कार्ड बना है वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर फेच हो चुकी है, यहाँ पर मैनुअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एड्रो का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके अगर परिवार का कोई भी सदस्य छूटा हुआ है तो उसको आप यहाँ से जोड़ सकते हो। तो हम एड्रो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर परिवार का जो सदस्य इसका नाम छूटा हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ में जो भी आपका उससे रिलेशन है यहाँ पर आपको फिल करना है और खास चीज है यहाँ पर आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पर उसका एंटर कर देना है। आधार कार्ड से जो भी एड्रेस लिया गया है वो आपको दिखाया गया है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको करेंट एड्रेस को फिल करने का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आपने जो ऊपर एड्रेस आधार कार्ड से आया है वही आपका करेंट एड्रेस है सेमी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। अब ऐसे कोई व्यक्ति है जो किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हैं, उनका बिजनेस किसी दूसरी जगह पर है, वो वहां स्टे करते हैं, तो यहाँ पर उस केस में आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आप सभी को एक नया एड्रेस ऐड करने का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा जहाँ से आप डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा, एक ही जगह पर रहते होंगे लोग, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर आप अर्बन लोकल बॉडी के अंदर आते हो। हमारा ग्राम पंचायत के सेक्शन में है तो हम यहाँ पर ग्राम पंचायत का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, चूज करेंगे। देन यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो नाम है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना। प्रोफेशन ट्रेड डिटेल के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप देखोगे कि इस सेक्शन में आपको ऑक्यूपेशन बताना है, जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो कौन सा काम करता है। अब जितने भी वर्क इसके अंदर इंक्लूड है, जो लोग इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी ही लिस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे कि कोई भी टेलर है, लोहार है, कारपेंटर, सुनार, इसके अलावा ट्रेडिशनल जितने भी वर्क होते हैं उनके यहाँ पर नेम आपको देखने को मिल जाते हैं। डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसका जो पेज है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मेरे केस में दर्जी का जो है मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, इसमें हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आप बिजनेस अभी कर रहे हो, ये जो
प्रोफेशन है आपका या आपने गुरु से सिर्फ ट्रेडिशन से सीखा हुआ है, यानी कि आपने कोई स्पेशलिस्ट के लिए ट्रेनिंग नहीं ली है, आपने किसी का काम स्टार्ट किया वो आपका गुरु है उसके जरिए आपने सीखा हुआ, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद में बिजनेस एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो कुछ दूसरा भी हो सकता है, अगर आपका घर का पता कुछ दूसरा है जो आधार पर मौजूद है तो आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एक नया पता ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सेम अगर आधार एड्रेस पर है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में करंट एड्रेस अगर आपने अपना जो ऐड किया मैनुअली वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो बिजनेस का एड्रेस डिटेल है वो आप बता सकते हो। तो जैसे मैंने अदर के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर अपनी जो लोकेशन है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, बिजनेस का जो भी स्टेट है क्योंकि स्टेट तो चलो सेम ही है सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले पेज पर हमें अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो ऐड करने के लिए बोली जाती है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सर्च करना है अपने बैंक का नाम, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको मैंने सर्च किया है। अब यहाँ पर अपना जो IFSC कोड बैंक है जो कि आपकी पासबुक पर मौजूद होता है यहाँ पर आपको फिल करना है। सर्च करोगे तो आपकी ब्रांच का जो भी नेम है ऑटोमेटिक सर्च होकर के आ जाएगा। आपको अपना जो अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना है और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट है आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि क्रेडिट सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर दो तरीके से आपको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। पहला है ₹1,00,000 का जो कि आपको 5% के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाएगा, वो इसे मोस्टली बैंक पे आप जाओगे तो 10-12% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जा रही है, आपको केवल 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि ये जो पेमेंट 18 मंथ के अंदर अगर आप कर देते हो तो अगला जो लोन है वो आपको ₹2,00,000 तक का मिल जाएगा और वो लोन आप 30 महीनों तक रिपेमेंट कर सकते हो। तो काफी अच्छी चीज है और खास करके जिस सेक्टर के लोगों को ये लोन गवर्नमेंट लेकर के आई है, कोई भी बैंक आज तक उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता था। तो यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं चाहिए तो मे बी के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को आगे फ्यूचर में कभी लोन चाहिए तो आप ले सकते हो। चाहते हैं कि पूरा का पूरा लोन जितना ₹1,00,000 गवर्नमेंट दे रही है वो हम ले लेते हैं, तो ₹1,00,000 यहाँ पर हम अमाउंट फिल कर देंगे। जो लोन है अगर आप चाहते हो किसी अदर बैंक से लेना तो अदर बैंक से ले सकते हो, या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से आप ले सकते हो। सेम एज सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब लोन पर्पस क्या है, तो लोन कई तरीके के दिए जाते हैं, जैसे कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसी के साथ में कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई मशीनरी आपको खरीदना है तो उसके लिए लोन ले सकते हो। एक्सपेंशन के लिए अगर आपको चाहिए बिजनेस को और भी बढ़ाना है तो यहाँ पर आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल भी हमें चाहिए, एक्सपेंशन भी करना है बिजनेस का, दोनों ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। कोई भी पहले से लोन ले रखा है और यहाँ पर अगर आपने लिया हुआ है तो बैंक का नाम आप सेलेक्ट करोगे, जितना अमाउंट अभी देना बाकी है वो भी करोगे, कितनी EMI आपकी जाती है यहाँ पर आपको बताना है, टोटल मंथली आपकी फैमिली की इनकम क्या है वो आपको बताना है। मेरे केस में मैंने लोन नहीं ले रखा अभी तक, तो यहाँ पर डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। अब इस ऑप्शन में आप सभी लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटल अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो इसका इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पर हम चाहते हैं चलो हम अपनी जो UPI ID फिल कर देते हैं, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर UPI ID को फिल करने का जो ऑप्शन है आपको मिल गया है, जो कि आप एड्रो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर अपनी जो UPI ID है जो कि आपके गूगल पे फोन पे भी UPI के अंदर देखोगे कि आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पर वो फिल करना है। जो भी UPI ID से लिंक आपका मोबाइल नंबर है जो कि बैंक में आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही होगा, यहाँ पर आपको फिल करना है और सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इतनी भी डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी है। अब हमें इस पेज में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग जितने भी दिन आप अटेंड करोगे उसका पेमेंट भी मिलेगा पर डे ₹500। तो यहाँ पर दो तरीके की बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होगी, एक है बेसिक जो कि 5 डेज तक होगी और दूसरी है एडवांस, 15 डेज की ट्रेनिंग होगी और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि ₹15,000 का ग्रांट आपको मिलेगा, यानी कि आपको टूल किट खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद में मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको बताना है कॉमर्स पर प्रोडक्ट को सेल करना, या फिर अगर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट को इधर से उधर आपको शिप करना है, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट कराना है, स्टैंडर्ड उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लेना है, तो सेलेक्ट करोगे देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स है वो सेव हो चुकी है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आइकन पे क्लिक कर देना है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और हम ऑटोमेटिक पोर्टल के अंदर लॉग इन हो जाएंगे, जहां पर आप देखोगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन बचता है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का, जो कि जो भी अथॉरिटी होगी उसको वो अप्रूव करेगी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की रिसीप्ट है हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर आग पर क्लिक कर ले ताकि घर बैठे आपको भारत सरकार राज्य
सरकार की तमाम नई योजनाओं की जानकारी मिलती रहे और अभी जागरूक व्यक्ति बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद।